दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो में जान लिया कि पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। अब उससे जुड़े जितने भी सर्विसेज हैं, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक से जितने भी जुड़े सर्विसेज हैं, इनका लिस्ट यहां पे आप देख सकते हैं, वो सब अब आप सभी का काम करने के लायक नहीं रहे। जैसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपका वॉलेट और उससे ज़्यादा पॉपुलर आपका फास्ट टैग, इन दोनों का अब आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट या फिर डेबिट अब आपका नहीं होगा। आप सभी का इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए और बहुत इम्पॉर्टेंट कमेंट आए। पहला चीज ये कमेंट आया कि भाई क्या सच में पेटीएम पेमेंट बैंक बैन हो गया? जी हाँ दोस्तों, सच में आपका पेटीएम पेमेंट बैंक बैन हो चुका है। दूसरा चीज, क्या पेटीएम का जो पेमेंट बैंक से हमने फास्टैग इशू कराया था वो भी हमारा खत्म हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, वो अब आपका किसी भी काम का नहीं रहा, क्योंकि आरबीआई ने इसके ऊपर रोक लगा दिया है। तीसरा चीज, अब आप सभी के मन में ये सवाल है कि हम पेटीएम पेमेंट बैंक से जो फास्टैग खरीदे हैं उसको बंद कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में 3-4 दिनों पहले NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया रूल लागू किया है, 1 व्हीकल 1 फास्टैग, यानी कि एक से ज़्यादा आप फास्टैग को अपने व्हीकल में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो पहले का इशू किया हुआ पेटीएम पेमेंट बैंक का फास्टैग है उसको या तो बंद करवाना होगा। तो उसी से रिलेटेड आपका सवाल हमारे पास पहुंचा कि पेटीएम पेमेंट बैंक से जो हमने फास्टैग लिया है उसको बंद कैसे करवा सकते हैं। तीसरा चीज, आप सभी का कमेंट आ रहा है कि हम अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के जो फास्टैग है उसको कैसे हम किसी अन्य बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि ICICI, जैसे कि SBI, जैसे कि HDFC बैंक, जैसे कि IDFC बैंक, या फिर बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का जो फास्टैग है वो। ये सवाल आ रहा है और यही से सवाल जुड़ा हुआ है कि पोर्ट कैसे कर सकते हैं। पोर्ट या फिर ट्रांसफर दोनों एक ही टर्म है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आपके सभी सवालों के जवाब जो है वो हम देने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल तो आप सभी ने जान लिया कि हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक बैन हो चुका है। क्या हमारा फास्टैग भी खत्म हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने फास्टैग को पेटीएम पेमेंट बैंक से जो खरीदा है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तीसरा सवाल पे हम आते हैं कि कैसे इसको हम बंद कर सकते हैं। इसको बंद करने के लिए आप सभी को एक लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या फिर अभी जो आपके स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है ये पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑफिशियल फास्टैग का नंबर है। इसको डायल करना है, उस नंबर से डायल करना है जिससे आपने अपना पेटीएम पेमेंट बैंक को रजिस्टर किया है फास्टैग को, तो उस पर आपको यहां पर कॉल करना है। डायल करना है आपको नंबर 3। कॉल करने के बाद 3 नंबर को प्रेस करना है और उसके बाद आपको एक लिंक आ जाएगा और उस लिंक में यहाँ पे लिखा रहेगा टू क्लोज पेटीएम पेमेंट बैंक फास्टैग प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। वो लिंक जो आपको कॉल करने के बाद 3 नंबर जब डायल करोगे वहाँ पे आपको बताएगा कि अगर आपको अपना पेटीएम पेमेंट बैंक को डीएक्टिवेट करना है तो 3 नंबर को डायल करें। डायल करिएगा तो ये लिंक आपको दे देगा, पेटीएम ऑफिशियल की ओर से आएगा और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पेटीएम ऐप ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हमने लिंक ओपन किया तो यहाँ पर कह दिया कि आपके पास कोई भी फास्टैग अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं कि हमें पेटीएम पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल पेज है वो खुल चुका है। यहाँ पे आपको अपने फास्टैग को सेलेक्ट करना है और आगे का जो 2-3 स्टेप है उसको कंप्लीट करके अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का जो फास्टैग है उसको क्लोज कर लेना है। तो इस तरीके से आप सभी अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का फास्टैग जो है उसको क्लोज कर सकते हैं। अगला सवाल जो आप सभी का है कि हम अपने पेटीएम पेमेंट बैंक का जो फास्टैग है उसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर कैसे
कोट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च कर लिया। रिसर्च करने के बाद जो ऑफिशियल रिपोर्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आप सभी को अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का जो भी फास्टैग है उसको अगर किसी अन्य बैंक में ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के जो फास्टैग है उसको बंद करवाना होगा, जिसे कहते हैं सरेंडर। आपको जो ओल्ड पेटीएम पेमेंट बैंक का फास्टैग है उसको सरेंडर करना होगा, उसके बाद आप किसी भी बैंक का फास्टैग वापस खरीद सकते हैं। तो ट्रांसफर करने का कोई भी अभी तक तरीका नहीं है। जैसे एयरटेल से जियो में जाने के लिए पोर्ट करने का सुविधा है, ठीक उसी तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक जो बैन हुआ है उसके बाद जो भी बैंक पार्टनर है फास्टैग के लिए, वो एक नया अगर रूल नियम ला देते हैं, फीचर ला देते हैं कि आप इस तरीके से अपना जो फास्टैग है पेटीएम पेमेंट बैंक वाला हमारे पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तब तो बढ़िया है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो लाएंगे और आपको बता देंगे। लेकिन अभी का जो पोर्ट करने का या फिर ट्रांसफ़र करने का जो सुविधा है वो यही है कि पहले आपको अपना पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करवाना होगा, उसके बाद आप नया पेटीएम पेमेंट बैंक को छोड़कर किसी और बैंक का फास्टैग खरीद सकते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफी मेहनत लगता है, पूरा डिटेल के साथ आप सभी के सामने एक वीडियो को प्रेजेंट किया जाता है। हम मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर टिल देन एंड गुड बाय।